बॉलीवुड के गाने किसे नहीं पसंद है और कौन बॉलीवुड में हीरो नहीं बनना चाहता। हम सभी जब बचपन में छोटे रहे थे तो हर किसी का कहीं ना कहीं ये सपना रहता था कि वो हीरो बने, हीरोइन बने। और जो टिकटॉक है वो एक प्रकार से आपको इस चीज़ का मौका देता है कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस कर पाएँ, बॉलीवुड डायलॉग्स पर आप एक्टिंग कर पाएँ। और ये लोगों को आजकल हीरो वाली फीलिंग दिला रहा है और ये उन्हें बॉलीवुड वाली फीलिंग दिला रहा है कि हाँ वो भी एक्टिंग कर सकते हैं, वो भी अपनी शॉर्ट फिल्म्स और ये सब बना सकते हैं। तो इसीलिए जो टिकटॉक है वो भारत में अभी बहुत ही फेमस हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं होता है। आप जो भी सॉन्ग चाहते हैं या जो भी डायलॉग चाहते हैं उस पर आपको बस एक्टिंग करनी होती है और वो वीडियो जो है आपको पोस्ट करना होता है। इसीलिए टिकटॉक जो है वो इजी होने के कारण और जो उसका सबका सपना रहता है हीरो बनने का वो पूरा करने के कारण भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। और दूसरा रीज़न इसका ये भी है कि भारत में अभी जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। लोग अभी कोई ऐसी जॉब्स ज़्यादा मिल नहीं रही हैं लोगों को यहाँ पर। इसीलिए जो लोग रहते हैं, युवा रहते हैं, वो इस टाइम उनके पास फ्री टाइम रहता है काफ़ी, तो इसीलिए भी वो टिकटॉक यूज़ करना पसंद करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि इस टाइम पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पर ही अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। जैसे लोग इंस्टाग्राम पे फैशन इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोस डाल कर के प्रसिद्ध हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, टिकटॉक पर पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक इजी वे लग रहा है लोगों को पैसे कमाने का। वैसे भी यहाँ पे जॉब्स ज़्यादा है नहीं इस टाइम पर। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं इसके कारण जो टिकटॉक है वो ज़्यादा प्रचलित हो रहा है।